डब्ल्यू और लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई चली, सरकार उनके खिलाफ चालन की अनुमति नहीं दे रही है। बड़ी संख्या में वो लोग हैं उनके खिलाफ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इससे संबंधित कमेटी का गठन किया, उस कमेटी में मैं भी हूँ और उस पर कार्रवाई चल रही है और उस पर काम चल रहा है। भाई साहब, इंदौर नगर निगम को दो हिस्सों में बांटने पर लगातार मतभेद सामने आ रहे हैं। जयवर्धन जी कह रहे हैं कि बांटना चाहिए, सज्जन सिंह वर्मा जी कह रहे हैं कि अभी जरूरत नहीं, तो क्या कांग्रेस में? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि मुझे इस तरह के कुछ इस तरह की बात आई है, तो अगर प्रदेश और इंदौर के हित में होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी से सलाह मशविरा करने के बाद, अगर इंदौर के हित में होगा तो इस पे चर्चा करने के बाद क्या बेटर होगा, ये बात की बात उनने कही है, लेकिन ये फाइनली कोई भी बात नहीं है इसमें। मतलब आप पुलिस कर्मियों के बीच में वो दो सवाल है, पटवारी का ग्रेड पे बढ़ाया गया, इसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए कोई अगर नई शुरुआत करते हैं तो उसमें से बहुत सारे ड्रॉबैक्स और बहुत सारी कमियां और ये चीजें होकर निकल कर आती है। हमने जो कमिटमेंट किया है साप्ताहिक अवकाश पुलिस कर्मियों के लिए, हम उसको बहुत जल्द उसमें जो कमियां उनको खत्म करके बहुत जल्द पूरी तरह से हम उसको लागू करने वाले हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है उस पर? आ गई है, सारी रिपोर्ट आ गई और बहुत जल्द हम उसको जो हमने जो बोला उस पर हम उस पर अमल करने जा रहे हैं। रेट पे कब तक बढ़ाया जा रहा है? देखिए इसकी भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैंने इस विभाग की कमान संभालते ही मैंने अपने विभाग को ही इसमें एक मैंने नोटशीट लिखी है कि हमारे पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के भी प्रमोशन भी होते रहना चाहिए, पदोन्नति भी होना चाहिए। तो हम इस पक्षधर है और माननीय मुख्यमंत्री जी सभी, कुछ दिन पहले ही मेरी चर्चा हुई है और आज फिर 5 बजे बैठक हम लोगों की है, तो जो हम जो कर सकते हैं पदोन्नति से संबंधित जो कार्रवाई कर सकते हैं, पदोन्नति जो दे सकते हैं, पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने की जो बात कही है, हम उससे पीछे नहीं हटने वाले। हम निरंतर हम उस पर बहुत जल्द उस पर कार्रवाई करके आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नहीं, जो साप्ताहिक अवकाश की जो बात जो बोली है वो बहुत जल्द मिलेगी। देखिए ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को करना है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी को करना है और जितने भी हमारे मध्य प्रदेश के कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेता है उन सबको करना है। हमें तो जो जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से जो दी जाती है उसको हम लोग निभाते हैं। अभी भी मैं कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करता हूँ। आप लोगों को जानकारी होगी कि अभी हमें जो टारगेट जो लक्ष्य जो दिया गया था झाबुआ उपचुनाव में, हमने उसको बखूबी जो निभाया है और मैं समझता हूँ कि उम्मीद से ज़्यादा बेहतर तरीके से और बड़ी मार्जिन से हम लोगों ने जो चुनाव जीता है। तो हम तो इस कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका को अदा करते आए हैं और आगे भी अगर कोई जिम्मेदारी मिलती है तो कार्यकर्ता के रूप में हम उसका निर्वहन करेंगे। अच्छा, भुरिया को बनना चाहिए भुरिया जी को कैसे मानते हैं आप? पहले भी वो संभाल चुके हैं जिम्मेदारी, पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वो अध्यक्ष रहे हैं और हमारे समाज के भी वो लीडर है, चौथी पांचवी बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, राज्य सरकार में भी वो मंत्री रहे, देश में भी मंत्री रहे। बाकी कोई जिम्मेदारी आगे की कोई बात करती करने की जो है जिम्मेदारी निभाने की और जिम्मेदारी मिलने की और दिलाने की, तो मैंने आपको जो बोला कि हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को, कमलनाथ जी को और हमारी जो राष्ट्रीय टीम बनी है नेताओं की, उनको मिल के करना है। अच्छा, 4 नवंबर को मिलने भी वाले हैं कमलनाथ जी सोनिया गांधी, मैं समझता हूँ कि ये तो एक रूटीन प्रोसेस है किसी भी सरकारों के लिए, राज्य सरकारों के लिए, केंद्र सरकारों के लिए, मंत्रिमंडल का जो एक्सटेंशन एक्सपांशन के लिए, तो इट्स डिपेंड ऑन द व्यू ऑफ द चीफ मिनिस्टर ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आस्क टू सीएम साहब, देन यू विल गेट द गुड रिप्लाई व्हाट एवर यू वांट। कि अभी जहां हम जिस प्रांगण में हम हैं, ये 19वीं नंबर की मध्य प्रदेश पुलिस राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता आज से अभी जो स्टार्ट हुई, हम लोगों ने स्टार्ट की है, इसमें आप हम सब यहां उपस्थित हैं और अभी जो इससे संबंधित जो कार्यक्रम जो हुए उनको आप सब ने कवर भी किए हैं, आप सभी का मैं कवरेज भी किया है, आप सभी का मैं स्वागत भी करता हूँ और दिवाली की मैं आप सबको बधाई और शुभकामना भी देता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता को जो वचन दिए थे, उन वचनों पे लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से हम लोग बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। अपराधों में कमी आई है, उसकी संख्या में कमी आई है, अपराधियों पे हमारा जो नियंत्रण बना है, और इससे संबंधित अगर आप लोगों को और कुछ जो जानना है तो आप लोग जाने, मैं आपको बता दूँ। अच्छा, आपने कहा अभिनव बिंद्रा जैसे खिलाड़ी निकले हैं? बिल्कुल, यहाँ से इस प्रतियोगिता से जो ये खिलाड़ी जो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं पार्टिसिपेंट्स के रूप में, ये टीम एक जो जाएगी वो राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना परफॉर्म करेगी। तो एडवांस में हमने हमारे सभी आयोजकों की तरफ से, मेरी तरफ से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी मैंने एडवांस में उनको बधाई और शुभकामना दी है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी वो नंबर 1 की टीम बने
और ऐसी टीम का हम लोग यहाँ से सिलेक्शन करें और जो खिलाड़ी हमारे अभिनव बिंद्रा जैसे जो परफॉर्म करें, जो ओलंपिक में उन्होंने हमें स्वर्ण पदक दिलवाया था और हमारे देश का नाम रोशन किया था, ऐसे ही मध्य प्रदेश की हमारी जो पुलिस की टीम जो इस प्रतियोगिता को खेलकर जो आगे जो खेलने जाएगी राष्ट्रीय स्तर पे, तो उस लेवल तक हमारे खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा जैसे ऊंचाइयों को प्राप्त करें और छुए, ऐसी हमारी उनको एडवांस में बधाई भी और शुभकामना भी। उनमें जो टैलेंट और प्रतिभा जो छिपी हुई है उसको विकसित करने का भी उनको चांस और अवसर इस तरह की प्रतियोगिताओं से मिलता है। आप हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं अपराधी हाईटेक हो चुका है और पूरा टाइम जो आप सब हम जिस युग से हम जो गुजर रहे हैं आप सब बहुत बेहतर तरीके से इस बात को जानते हैं, लेकिन हमारी पुलिसिंग भी इसमें कोई कम नहीं है। पूरी तरह से कोई भी अगर इस तरह के वारदात करने का कोशिश करते हैं हम उनको वारदात न करने दो, उसके पहले ही हम उनको कुचल देने के लिए और उसके लिए एक लक्ष्य होता है निशाने का। आपातकालीन स्थिति और परिस्थितियों में हम लोग हमारे जो पुलिस अधिकारियों का और कर्मचारियों का किस तरह से सही निशाना जो लक्ष्य जो साधते हैं उस पे लगे, मैं समझता हूँ कि इस तरह की प्रतियोगिताएँ इसके लिए भी काम में आती है। देश भर के 6 निजीकरण हो रहा है एयरपोर्ट, कैसे देखते हैं आप इंदौर के प्रभारी मंत्री में? आप ये ध्यान रखना, ये जो लीडर जिनके हाथ में मध्य प्रदेश सरकार की जो कमांड है माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ, बहुत बड़े लीडर हैं और न केवल प्रदेश या देश में नहीं दुनिया के बड़े लोगों से और वहाँ की सरकारों से और वहाँ के नेताओं से उनके संबंध है। आप उनके नेतृत्व को देखते जाना, अभी साल भर भी नहीं हुआ है उन्होंने इंदौर मेट्रो रेल लाइन, भोपाल मेट्रो लाइन, इंदौर से मनमाड़ रेलवे लाइन और उसके बाद एक जो कॉरिडोर, उसके बाद किसानों का कर्ज माफ, खेती को लगने वाले बिजली के बिल हाफ, घरों की बिजली 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली, उसके बाद पेंशन डबल कर देना और पढ़े लिखे युवाओं को मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना में काम देना, ये उनके लिए मैं समझता हूँ कि वो बड़ी हम सब के लिए बड़ी और मोटी बात है। तो माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का ही नेतृत्व का कमाल और परिणाम है जो अल्प समय में हमने इतने काम कर दिखाए, आगे और देखते जाना। विधान परिषद की तैयारी हमें हमारा काम करना है, मध्य प्रदेश की जनता ने हमें जो जिम्मेदारी जो दी है उस जिम्मेदारी का ठीक ढंग से हम लोग निर्वहन करना जानते हैं और उसी लाइन पे हमारे मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि निरंतर हम दिए गए वचनों पे निरंतर हम आगे माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। देखिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारी पार्टी का जो निर्णय जो भी होना होगा मैं समझता हूँ कि वही निर्णय होंगे जो प्रदेश के हित में होंगे और प्रदेश के लिए जो बेटर होंगे वही डिसीजन लिए जा रहे हैं। बीजेपी का कहना है 20 करोड़ रुपए विधान परिषद, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं कि बीजेपी का क्या कहना है, हमारे प्रतिद्वंदियों का क्या कहना है, हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता के हित में क्या होगा और मध्य प्रदेश की जनता क्या चाहती है उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। प्रदेश पहले से काफी बड़े कर्ज में डूबा हुआ, 250 लाख कितना बताया करोड़, उसको बांटने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? लगभग 2 लाख करोड़ का कर्ज पूर्व की सरकार छोड़ कर गई है, लेकिन अभी जिनके हाथ में मध्य प्रदेश सरकार की जो कमान है माननीय मुख्यमंत्री जी के, वो इस कर्ज को भी धीरे धीरे इस कर्ज से भी निकाल कर जो कमिटमेंट हम लोगों ने जो किया है इलेक्शन में उन कमिटमेंट्स को निभाने पे हम लोग निभाते हुए हम लोग आगे काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ठंडी पड़ गई है ना, कोई नाम सामने आ रहा है और ना कुछ सामने जो है वो तथ्य सामने आ रहा है। नहीं बिल्कुल नहीं, जिस लक्ष्य और उद्देश्य को लेकर उसकी कमेटी का जो गठन किया गया है मैं समझता हूँ कि बहुत मैच्योर्ड और सीनियर मोस्ट जो IPS अधिकारी जो 1985 बैच के श्री राजेंद्र कुमार जी और हमारी SSP मैडम श्रीमती रुचि वर्धन मिश्रा जी भी उस कमेटी उस टीम में शामिल है। कोई भी पहलू, कोई भी बिंदु, जो लक्ष्य जो उद्देश्य जो है उसका जांच का कोई भी छूटेगा नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी जो अपराधी या षड्यंत्रकारी जो जिनने जो षड्यंत्र किया, जो अपराध किया है, हमारी कानूनी कार्रवाई से कोई भी बच नहीं पाए। नहीं, उन्होंने कहा कि संजीव समी से सरकार के अफसर डर गए थे, उनको जब कंप्लीट रिपोर्ट हो जाने के बाद, ऐसा बिल्कुल भी नहीं।